हर साल आता है, हर साल जाता है, इस साल आपको वो मिले जो आपका दिल चाहता है। नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। सुबह की गर्मा गर्म कॉफी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं टेक्निया रेडियो पर। मैं हूँ आपकी आरजे करीना। और मैं आरजे कार्तिकी, आप सभी का स्वागत करते हैं इस नए साल में। करीना, ये देखते ही नया साल भी खत्म हो गया, लेकिन जो कभी ना खत्म हो वो है हमारा और हमारी ऑडियंस का प्यार। वेल, हम बस यही विश करते हैं कि ये साल आपके लिए और हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी गुड न्यूज और बहुत सारी होप्स लेके आए। और प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स वो क्यों? अरे, जब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तब तक खुशियों का पता कहाँ चलता है। ये भी है। अब देखना, पिछले साल ही कितना परेशानियों से भरा रहा। जहाँ स्टार्टिंग में हम सबको कोरोना से जूझना पड़ा, वहीं साल के मिड में आते आते वी सॉ द एशियाज थर्ड बिगेस्ट वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर। एग्जैक्टली। और उसी का नतीजा है कि इस समय पूरा वर्ल्ड एक सीवियर रिसेशन झेल रहा है। अरे अरे अरे, लेकिन इन सबको थोड़ी देर साइड में रख के ना कुछ पॉजिटिविटी पे भी यार नजर मार ही लेते हैं। एग्जैक्टली। इंडिया हैज गॉट इट फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन एथलीट्स इन टोक्यो ओलंपिक्स, नीरज चोपड़ा। और यार, फीफा वर्ल्ड कप भी तो था ना। फीफा, उसको कैसे भूल सकते हैं यार, मेसी रॉक द स्टेज, यू नो। लेकिन इन सब के बीच हम इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को तो भूल ही गए यार। इंडियाज वुमेन हॉकी टीम? यस गाइस, इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला गोल्ड जीता। इट वाज अ प्राउड फीलिंग फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। जहां लोग एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां लोग अपने ट्रू नेशनल गेम को तो भूल ही गए। हाँ, लेकिन इंडिया में एक और चीज भी तो हुई है ना, एक और प्राउड मूवमेंट इंडिया के लिए, G20 प्रेसिडेंसी। एग्जैक्टली। इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 समिट विद द थीम ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, आल्सो नोन एज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। लेकिन यार, इन सब के बीच में हम उनको तो भूल ही गए जिनके लिए साल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा। यू टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स ना? एग्जैक्टली। हाँ, जहाँ पे 2 साल बाद बोर्ड एग्जामिनेशंस फुल फ्लेश तरीके से रन हुए, वहीं पर NEP के अकॉर्डिंग मेरिट सिस्टम को रिप्लेस किया CUET सिस्टम में। इट वाज अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और उनकी क्या हालत हुई है ना, ओनली स्टूडेंट्स कैन रिलेट वेल। ये साल स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस भरा तो रहा ही था, बिल्कुल, बट एक्साइटमेंट भी खूब थी। जहाँ 2 साल बाद उन्हें पहली बार ऑफलाइन एग्जाम्स देने थे, वहीं उनके अंदर एक एक्साइटमेंट था कि नए इवेंट्स, नया फेस्ट, नए स्कूल्स, नई क्लास, वो सब एंजॉयमेंट ना उनके सीनियर्स ने कहीं ना कहीं मिस कर दिया। बट डू यू अग्री? एग्जैक्टली। बट आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु फॉट टिल द एंड, एंड फाइनली सबको उनके डिजायर्ड कॉलेजेस मिल ही चुके हैं। तो आइए बात करते हैं अपनी कॉलर से और जानते हैं कि उनका साल कैसा रहा। हेलो जी। हेलो दीपिका, आप बताइए, आपके लिए ये पिछला साल कैसा रहा और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप अपने अगले साल से? यार देखो, मेरा 2021 के अकॉर्डिंग 2022 ना काफी बोरिंग सा रहा। ऐसा लग रहा था कि सेम जिंदगी चल रही है, कुछ न्यू नहीं हो रहा है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है। पर आई होप कि 2023 थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटिंग और थोड़ा सा ज्यादा जॉयफुल हो। वेल, किसी ने सच ही कहा है कि चलती का नाम जिंदगी है, और हम भी यही दुआ करेंगे कि 2023 आपका खूब सारा एक्साइटमेंट, जॉयफुल और मजेदार जाए। किसी ने बहुत खूबी कहा है कार्तिक, कि जिंदगी और वक्त कब निकल जाते हैं ना पता ही नहीं चलता। देखते देखते 2022 भी निकल गया, 2023 भी निकल ही जाएगा। बट मज़ा तो तब है ना जब हम हर साल कुछ ऐसी मेमोरीज अपने दिल की डायरी में बसाएं जो एकदम मेमोरेबल हो। या आप देखना, देखते देखते हमारे जाने का भी समय आ गया। लेकिन जाते जाते ना मुझे मुकेश जी के ना वो बोल याद आ गए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो इसी के साथ मैं आरजे कार्तिके और मैं आरजे करीना अलविदा लेते हैं आपसे। आई विश दिस न्यू ईयर ब्रिंग्स प्रॉस्पेरियस हैप्पीनेस फॉर यू एंड योर फैमिली। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक्निया टीवी एंड कीप लिसनिंग टेक्निया रेडियो।